हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता ये न थी हमारी किस्मत। मैंने किशोर कुमार जी को भी बहुत सुना है, मंदाड़ी साहब को बहुत सुना है, मुकेश जी को बहुत मानता हूँ, तो महमूद जी, हेमंत कुमार जी, महेंद्र कपूर जी, इन सब लोगों से मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ। तो रफ़ी साहब का मेरे लिए जो होता है वो वैसे जैसे किसी का सूफी संत का होता है ना, वो सूफी मेरे लिए है रफ़ी साहब। तो मैंने जितने भी गाने गाए, किस डेट को कहाँ पे गए वो सब लिखा हो मैंने, और अब तो मेरे पास में पिछले मेरे पास 19th रजिस्टर पे मैं हूँ। तो अगर आप एक रजिस्टर की के 300 पेजेस मान लें, समझिए मैंने इतने गाने गा रखे हैं, तो वो सब तो मैं रखता ही हूँ। फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग में जब जाता था पहले से ही, तो अभी मेरे पास उस समय आया है ब्रीफ केस, सूट केस नहीं, वो ब्रीफ केस है, काले रंग का ब्रीफ केस है, उसमें मुझे एक रफ़ी साहब की ऑटोग्राफ्ड फोटोग्राफ है, मुझे नहीं मिली, मतलब किसने मुझे दी थी वो मैंने रखी हुई है एक, तो रफ़ी साहब की फ़ोटोग्राफ लगा के। फिर मैंने उसमें मेरी बीवी के लव लेटर्स पढ़े बहुत सारे उसमें जब हम लोग वी वर डेटिंग, उस समय के लव लेटर्स हैं जो मैं रखे, वो फट रहे हैं, लैमिनेट करा ले, दे ऑल यू हैव टू टेक, हटो मैं बात करो मेरी भी वहाँ बैठे हुए, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लेटर्स बाय द वे डार्लिंग। सो वो हैं, और बहुत सारी पेन्स पड़ी हैं जिन पेन्स को मैंने इस्तेमाल कर रखा है ओवर द ईयर्स, इन लास्ट 27 ईयर्स में वो सब पेन्स पड़ी हुई हैं। इट्स जस्ट माई ओड टू माई ओन म्यूज़िक, और मैं रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं गा नहीं पाऊँगा, जब मैं गाना सोच पाऊँगा पर गाना गा नहीं पाऊँगा, जैसे लता जी के साथ में अभी होता होगा, इतनी बड़ी सिंगर, पर उम्र के साथ में हर किसी को हारना पड़ता है, इसी उम्र के आगे कोई किसी का जोर नहीं चलता, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो पेंटर हो, मेरे ख्याल से पेंटर के भी हाथ ऐसे हिलते होंगे एक उम्र के बाद में, नेचुरली हो जाए। तो उम्र का, जब मेरी वो उम्र आ जाएगी जब मैं नहीं गा पाऊँगा, तो मैं मेरे गाने खोलूँगा और पलट पलट के देखूंगा, हाँ मैंने आज ये गाना गाया था, मैंने ये 20 साल पहले ये गाना गाया था, ऐसे देखूँ। सो दिस इज हाउ, दिस इज माय ओड टू माय ओन म्यूजिक। मर जाऊँ या जीऊँ जरा।